सो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो तो फाइनली अभी अराउंड 10 बज रहे हैं और मैं भी आज मेरा नाइट शिफ्ट है तो मैं डे में निकल गया थोड़ा घूमने के लिए। खाना खा के आया मैं रूम साइड से, तो मैं थोड़ा सा घूमता था तो मैं ऐसे ही निकल गया रोड साइड। तो अभी जा रहे हैं, मालूम नहीं किधर जा रहे हैं बट जा रहा हूँ क्योंकि मैं रूम पे बोर हो रहा था, तो बोला एक ब्लॉग भी हो जाएगा। अभी ये मेरे को कन्फर्म नहीं है कि आप लोग को किधर आ रही या नहीं आ रही, क्योंकि मैं अभी रोड में हूँ और आगे पीछे से गाड़ियाँ लगातार आ जा रही हैं। एक बार मैं आपको बैक करके भी दिखा देता। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा अभी नाइट शिफ्ट है तो मेरे को नाइट में काम करना पड़ेगा। मतलब अगर 7 बजे इधर से निकलता हूँ ना तो कल सुबह 7-8 भी बज जाते हैं रूम आते, मतलब 12-13 घंटे भी काम हो जाते हैं। मतलब 12-13 घंटे काम तो नहीं रहता बट आने जाने में टाइम काफ़ी लग जाता है, तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ कभी। इसमें ब्लॉगिंग है तो अभी मैं रोड में हूँ। आवाज़ तो कन्फर्म नहीं कि क्लियर आ रही है नहीं आ रही, थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी मेरे को, कन्फर्म है। इधर रोड साइड की जो कि पेड़ पौधे ना वो ज़्यादा मस्त लग रहे हैं मेरे को, जैसे मैंने अभी आप लोग को दिखाया इधर। और धूप का तो क्या ही कहना है यार, धूप बहुत ज़्यादा है। और एक बात और कि अभी ना मैं इधर 1 महीना के बाद हो सकता है मैं गांव भी आऊँ, क्योंकि अभी मेरा कॉलेज वाला एग्ज़ाम होने वाला है। मैं पेपर देख के आया था, रिजल्ट भी आ गया था बट कुछ इशू के कारण मैं तो अभी देखेंगे डेट वोट अगर कंफर्म होती है तो मैं गांव के लिए निकलूँगा अभी। सो तो इसमें वीडियो नहीं आ पा रही है, बस यही रीज़न है कि मैं गांव से इधर आ गया तो जाना पड़ रहा डेली, तो दिन भर टाइम काम पे ही निकल जाता है तो वीडियो नहीं आ पा रही है, इसके लिए आई एम सॉरी। बट कोशिश करूँगा यार कि वीडियो आती रहे, 1-2 वीडियो हफ्ते में तो आ ही जाए, क्योंकि बंद नहीं करना है अपने को, चालू रखना है कैसे भी करके, किसी भी हालत में बंद नहीं करना है मेरे को यूट्यूब, ये अपना एक गोल बन चुका है। और ये नहीं पता मेरे को मैं आगे किधर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इधर मालूम नहीं है, बट हाँ कभी अगर बोरिंग सोरिंग लगता है तो मैं बस निकल जाता हूँ घूमने के लिए कहीं भी। तो ब्लॉग पर बने रहो, चलते हैं फिर वापस भी लौटना पड़ेगा मेरे को। सो तो ये वाला पेड़ देख लो, ये वाला, ये यहाँ पे ना, ये पेड़, ये यहाँ पे ना, ये जगह जगह ये पेड़ मिल जाएगा, देख सकते हो ये वाला, ये हर जगह ये पेड़ दिख रहा है, हर जगह यहाँ पे। तो मैं बता दूं, मैं जब से महाराष्ट्र पे मैं अगर घूमने निकलता हूँ ना इधर, एक चीज़ मेरे को हर जगह दिखती है, जैसे मैंने पेड़ के लिए बताया था, ये ना मेरे को दोनों साइड दिख रहा है, इधर साइड भी ये पेड़ दिख रहा है और इसमें ओनली फूल बस मिलते हैं, निकल के फूल रहते, काफ़ी मस्त लगते हैं और झड़ते भी नीचे काफ़ी ज़्यादा। सो तो अभी हम जा रहे हैं घर की साइड, क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो गया ना, दूर वापस जाने का मतलब क्या है जब कुछ काम नहीं है अपना, तो बस मैं टहलने के लिए ही आया था, मैंने बोला थोड़ा सा बात भी हो जाए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वीडियोस तो आ नहीं पा मैं डाल नहीं, बट कोशिश करूँगा हफ्ते में एक या दो वीडियो तो कंफर्म करूँगा, क्योंकि भाई अपना चैनल को हमें बंद नहीं करना कैसे भी करके। तो ब्लॉग पर बने रहो गाइस, चलते हैं। सो तो फाइनली मैं अभी रूम आ गया, रूम से अभी मैं टेरेस पे हूँ, मतलब छत में। एक बार मैं बैक करके इधर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, ज़्यादातर मैं ऊपर ही बैठता हूँ खाना खाने के बाद, नाइट में आई समय घूमने वूमने ज़्यादा सही, क्योंकि मैं नाइट में आते समय मैं अभी डे में ड्यूटी थी ना तो नाइट में लेट हो जाता था, ज़्यादातर 8-8 बज जाते थे इधर रूम पहुँचते ही, तो इधर ही थोड़ा बहुत टहल था नाइट पे। तो एक बार इधर का नज़ारा दिखाते हैं हम, ये रही अपनी चेयर जहाँ पर हम लोग बैठते हैं, कुछ इस तरह का है इधर का पूरा ये, और देख लो, देखो पहाड़ दिख रही है, वो देखो वो वाली, ये पहाड़ है, कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। सो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।